Hello students, welcome to Professor Triumph Academy. Myself Dr. Kajal Pai, and today we are going to discuss about Booth multiplier. What is Booth multiplier? Booth multiplier क्या होता है? ये actually computer organization and architecture का एक बहुत ही important topic है, क्योंकि ये आपके exams में भी, देखिए जो exams होते हैं आपके college के उसमें भी पूछा जाता है, और गेट और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में भी डेफिनेटली इसका क्वेश्चन आता है. तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और नाम से जैसे आपको पता चल रहा है मल्टीप्लायर, तो इसमें हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सके, ठीक है, और इजीली कर सके, एफिशिएंटली कर सके, एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं. अब इसका यूज़ करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जान लेने चाहिए. सबसे पहले तो ये कि आपकी दो जो भी बिट्स दी हुई होंगी उनको आप, जैसे आपको नंबर्स दिए हैं दो, मान लीजिए 5 and 10, 5 या 8 फॉर एग्जांपल, तो आपको अगर उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा उन दोनों को, उसके बाद ही हम अपने ऑपरेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है. अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास तीन केसेस हो सकते हैं. या तो हमारे दोनों के दोनों नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो आपको पता है दो नंबर का प्रोडक्ट जो आता है, जो मल्टीप्लिकेशन आता है, वो भी पॉजिटिव ही आता है. ऐसा हो सकता है कि एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो, उस केस में उसका मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट आपका नेगेटिव आएगा. अगर दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव हैं तब रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा. तो ये चीज़ क्लियर होगी सबको. अब हम स्टार्ट करते हैं, ये एल्गोरिथम को समझते हैं, फिर इसका एक एग्जांपल करते हैं. तो एल्गोरिथम में हमने लिखा हुआ है, स्टार्ट करिए हमने यहाँ से एल्गोरिथम, और हमने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है जब हमने स्टार्ट करी है कि ये आपका ए जो है वो ज़ीरो से इनिशियलाइज हो गया और क्यू माइनस वन भी ज़ीरो से इनिशियलाइज हो गया. अब ए और क्यू माइनस वन है क्या? ए जो है वो आपके ये रजिस्टर्स ही हैं, ठीक है, सिंपली रजिस्टर्स हैं जो आपको ज़ीरो से इनिशियलाइज कर देने हैं. उसके बाद एम जो है वो हमारा मल्टीप्लिकेंट है, उसमें मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू चली जाएगी, और क्यू में मल्टीप्लायर की. बट मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर होते क्या हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक नंबर हमारे पास 3 है और एक नंबर 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जो फर्स्ट नंबर होता है वो मल्टीप्लिकेंट हो जाता है और जो सेकेंड नंबर होता है वो मल्टीप्लायर हो जाता है, इस तरीके से. तो उतने ही आपको इस तरह से ऐड करना, वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. काउंट हमने एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम एक वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं उसको, ये सारा इनिशियलाइजेशन फेज ही चल रहा है अभी हमारा, उसमें हमने सी लिखा है. यहाँ पे सी क्या है? नंबर ऑफ बिट्स. आप इसको एन से भी डिनोट कर सकते हो कि नंबर ऑफ बिट्स. अब किसके नंबर ऑफ बिट्स पर? रजिस्टर्स आपको दिए हैं ए क्यू एम, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ रजिस्टर्स में बिट्स आपकी यूज़ होती है. 4-bit रजिस्टर हो सकता है, 8-bit रजिस्टर हो सकता है, 6-bit, एनी टाइप, वो गिवन होता है क्वेश्चन में. अगर 4-bit आपका रजिस्टर है तब क्या होगा, यहाँ पर आपकी काउंट की वैल्यू हो जाएगी 4, इन केस 4-bit रजिस्टर है तो. उसके बाद हमें आगे बढ़ना है और इन कंडीशंस को चेक करना, Q0 और Q1 में क्या वैल्यूज़ हैं. पर ये Q0 और Q-1 है क्या? Q-1 को तो हम इनिशियलाइज कर चुके हैं ऑलरेडी, Q0 क्या है? Q में आपका क्या है? मल्टीप्लायर, यानी कि सपोज़ ये 5 है, तो 5 को आपको बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है तो आप कैसे लिखोगे? 4-bit अगर रजिस्टर है तो 0101 आपका बाइनरी में हो जाता है, ठीक है ना. बाइनरी में आप इस तरीके से इसको लिख लेते हो. जब आप बाइनरी में इस तरीके से लिख लेते हो ना, तब क्या होता है, हमारे पास आ जाती है वैल्यूज़ 0 और 1 के फॉर्म में, और ये बिट्स हो गई. ये फर्स्ट वाली बिट आपकी Q0 है, फिर ये Q1 है, ये Q2 है, और ये आपका Q3 है. तो Q0 हमारी ये वाली नंबर हो जाएगा. ये मैं अभी एग्जांपल ले रही हूँ, अभी हम आगे पूरा देखेंगे, सिर्फ बता रही हूँ कि इन दोनों को हमें कंपेयर करना है कि Q0 की वैल्यू और Q-1 की वैल्यू क्या क्या है. अगर 10 आती है तो इस साइड का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 01 आती है तो ये वाला, और 11 और 0 आती है और 00 आती है तो ये वाला, ठीक है. इनको हम देखेंगे कैसे होगा कि अगर 10 आती है तो क्या होगा, a इक्वल्स टू a माइनस m हो जाएगा,
यानी कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेंड है उसकी वैल्यू को हम माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटर में से, अगर 0-1 आती है तो वैल्यू प्लस कर देंगे, लेकिन माइनस या प्लस करने के बाद जिस भी आप कंडीशन पे जा रहे हैं सारे केसेस में ASR ज़रूर करना है उसके बाद, यानी कि अर्थमैटिक शिफ्ट राइट। बट वॉट इज़ अर्थमैटिक शिफ्ट राइट? अर्थमैटिक शिफ्ट राइट होता क्या है? सपोज़ ये 5 का ही एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, ये 5 है, आपको इसे सिंपल शिफ्ट राइट करना है। इन केस अगर सिंपल शिफ्ट राइट करना है तब आप क्या करते हैं, एक बिट से शिफ्ट करना है, ये लिख देते हैं आप इस वाले को, नंबर को 1 को डिस्कार्ड कर देते हैं पहले वाले को और शिफ्ट कर देते हैं राइट की तरफ, और जो एक डिजिट बचती है उसमें आप 0 इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन ASR यानी अर्थमेटिक शिफ्ट राइट जब आप करते हैं, इस नंबर का करना है अभी हमें, तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को तो हम डिस्कार्ड कर देंगे, फिर एक ये इस साइड शिफ्ट करेंगे, एक ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे ही इसमें भी कर रहे थे, लेकिन लास्ट वाली जो बिट आएगी वो जो ये वाली बिट दी हुई है वही आ जाएगी यहाँ पे, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, जो भी होगा वो ही आएगा। तो वो वाला 0 मतलब जो भी डिजिट है वो 2 बार आएगी, एक बार शिफ्ट होने के बाद राइट साइड और एक बार एज इट इज, लास्ट बिट जो भी होगी, चाहे 4 बिट अगर नंबर है, 4 बिट रजिस्टर्स हैं तो 4th वाली बिट, 8 बिट है तो 8th वाली बिट, तो जो भी लास्ट बिट होगी वो वाली 2 बार आएगी, बाकी शिफ्ट करनी है बस हमें, और हर बार केस में ये ज़रूर ऑपरेशन करना है, ठीक है ना। उसके बाद काउंट की वैल्यू को हमें एक माइनस करते चलना है जब तक कि काउंट हमारे पास 0 नहीं हो जाता। जैसे ही काउंट 0 होगा हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम एंड कर देंगे, जब तक 0 नहीं होगा वापस ये ऑपरेशन करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे जब तक कि सारे के काउंट की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मुझे नंबर्स दिए हुए हैं 2, 7 and 3, इसको मल्टीप्लीकेशन मुझे करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, इस केस में मुझे सबसे पहले तो हमें पता है वैसे तो 21 ही आता है, अगर हम डेसिमल नंबर की बात करते हैं तो हमें ऑलरेडी पता है कि 21 आ जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले 7 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, 4 बिट्स के रजिस्टर हैं हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम 0111 इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह सिमिलरली आप 3 को कन्वर्ट कर लेंगे तो 0011 ये base 2 ये 3 कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब दोनों पॉजिटिव नंबर है, आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ये सबसे सिंपल एग्जांपल होता है अगर दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हमारे तो, ठीक है। इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेगेटिव नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे। तो उसके लिए अब हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में क्या क्या आएगा, एक तो आपके पास a की वैल्यू क्या है, Q0 में क्या है और Q-1 में क्या है, और अब आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, ये 4 एंट्रीज आपकी इस टेबल में आ जाएंगी, ठीक है। एक टेबल आपका बन जाएगा जिसमें ये चारों एंट्रीज हो जाएंगी, ठीक है। अब A की हमारे पास वैल्यू क्या थी, इनिशियलाइजेशन हमने किया था 0000 से, और Q-1 को भी 0 से ही हमने इनिशियलाइज किया था। Q0 में हम Q0 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ सारी वैल्यूज लिख लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको Q से डिनोट कर दीजिए, Q0 से नहीं करना चाहते हैं आप Q से भी डिनोट कर सकते हैं, बस हमें लास्ट बिट उसकी देखनी पड़ेगी, Q0 वाली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो भी होगी। तो Q हमारे पास ये है, ठीक है, 0011 ये हमने लिख लिया। अब काउंट की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 बिट रजिस्टर्स मान लीजिए दिए हुए हैं, 4 बिट रजिस्टर्स हैं उसी में करना है, तो काउंट की वैल्यू इस वक्त 4 है हमारे पास, ठीक है, इनिशियलाइजेशन फेस में ये वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे Q0 और Q-1 की वैल्यू को, वो हमारे पास क्या है, Q0 ये वाली बिट है, ठीक है, ये वाली बिट है हमारे पास Q0, तो ये 1 है और ये भी 0 है। जब ये वाला केस होता है हमारे पास कि हम किस तरह से करना चाहते हैं उसको, तब हम देखेंगे 1 और 0 के केस में
हमें क्या करना है, ए इक्वल्स टू ए माइनस एम, ये चीज़ परफॉर्म करनी है, ठीक है ना। तो ऑपरेशन क्या चलेगा हमारे पास, ए इक्वल्स टू ए माइनस एम करेंगे हम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस एम सेम ही बात है, ठीक है ना। तो ए में हमारे पास वैल्यू है ऑलरेडी, एम में भी है हमारे पास वैल्यू, 7 is m है ना, और क्यू जो है वो 3 है, एम भी है, एम माइनस एम नहीं है। अब माइनस एम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यूज़ करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, टूज कॉम्प्लीमेंट का या हमें करना है, साइन इंटीजर्स हैं हमारे पास, हम टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, एम हमारे पास क्या है, 0 1 1 1। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, सॉरी, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए आप सारी की सारी बिट्स को इन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 0 जो है वो 1 में चेंज हो जाएगा, 1 जो है वो 0 में चेंज हो जाएगा, ये आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट। अब टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, प्लस 1 कर देंगे, जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया है उसमें आप प्लस 1 कर देते हैं तो टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो ये आपकी आ गई माइनस एम की वैल्यू, ये आपका माइनस एम है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, ए के अंदर ए की वैल्यू है 0 0 0 0, उसके साथ हमें किसको प्लस करना है, 1 0 0 1 को, आंसर क्या आएगा, 1 0 0 1। तो आप इस आंसर को सिंपली यहाँ लिख देंगे, 1 0 0 1, और बाकी सारी चीज़ें सेम ऐसे ही लिख देंगे। ये तो पहली चीज़ हो गई हमने कर दी, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं करना है, ए माइनस एम करने के बाद हमें ए एस आर भी करना है, यानी कि अर्थमेटिक शिफ्ट राइट भी तो करना है। तो अब हम वापस से इस टेबल पे आ जाते हैं, सेकेंडली अब हम क्या कर रहे हैं, ए एस आर कर रहे हैं, ये फर्स्ट ऑपरेशन हमने कर दिया, ये सेकेंड ऑपरेशन कर रहे हैं इसके साथ, ठीक है। ए एस आर में हम क्या करेंगे, शिफ्ट राइट करेंगे, शिफ्ट राइट जब आप करेंगे इस वाली वैल्यू को डिस्कार्ड कर देते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाती है, और ये यहाँ, फिर ये वाला 0 इधर आ जाएगा, एक एक बिट शिफ्ट राइट ही हो रही है, ठीक है ना। ये वाली लास्ट की ये वाली यहाँ आ जाएगी, फिर 0 0, ये वाला 1 आपका यहाँ भी आ जाएगा और नीचे भी लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका ए एस आर होता है। तो ये आपका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट फेज आपका कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, काउंट इक्वल टू काउंट माइनस 1। तो अब काउंट हमारे पास 3 रह गया है, यहाँ पे हमारे पास काउंट जो था, काउंट की वैल्यू जो थी, ये शो नहीं करते हम काउंट की वैल्यू टेबल में, मैं बस समझाने के लिए ही लिख रही हूँ, आपने नहीं लिखनी, आपने बस इतनी बनानी है, काउंट नहीं लिखना, काउंट आपको अलग से लिखना है कि काउंट इतना है इस वक्त, ठीक है ना। सेकंड हमने क्या किया, चलिए सेकंड फिर से अभी करना है, क्योंकि काउंट जो है वो 0 से बड़ा है, 3 हो गया है यहाँ पर, लेकिन 0 से तो बड़ा ही है, तो वापस से करते हैं। अब फिर से देखेंगे हम क्यू 0 में क्या, कौन सी बिट है, और क्यू माइनस 1 में, दोनों में क्या है हमारे पास, क्यू 0 और क्यू माइनस 1 में 1 1 है। जब 1 1 होती है, अगर आप एल्गोरिथम पे जाएंगे, जब 1 1 वाला केस आता है तो सिंपल ए एस आर करना होता है, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। तो हम सिंपली ए एस आर कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, ए एस आर करेंगे जब हम, तो ये वाली बिट आपकी डिस्कार्ड हो जाएगी, ये वाली बिट यहाँ आ जाएगी, और फिर उसी तरीके से शिफ्ट होएगा, ये वाली बिट यहाँ आ गई, फिर 0 1 1, ये वाली भी शिफ्ट हुई है ना 1, और ये नीचे भी आ जाएगी इस तरीके से, ये आपका सेकेंड फेज भी हो गया। अब काउंट इक्वल्स टू काउंट माइनस 1, अब रह गई काउंट की वैल्यू 2 हमारे पास, थर्ड फेज आ गया। फेसेस चलते रहेंगे जितनी हमारी काउंट की वैल्यूज है उतने टाइम तक, ठीक है ना। थर्ड फेज में हम फिर से कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे आपकी 0 है वैल्यू, यहाँ 1 है, क्यू 0 और क्यू माइनस 1 में क्या वैल्यूज़ हैं, 0 और 1। जब 0 1 होती हैं तब क्या करना है हमें, ए इक्वल्स टू ए प्लस एम, ठीक है ना, ए इक्वल्स टू ए प्लस एम। ए में क्या है हमारे पास इस वक्त, ये है
ट्रिपल 10, एम में क्या है 7 ही है ना, 0111, इसको आपने प्लस कर देना है, 1 + 1 = 0, 1 कैरी चला जाएगा, फिर इन तीनों को प्लस करेंगे तो 1, और यहाँ भी 1 एक कैरी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 और 1। जो ये 0 1 आया है ना, ये तो कैरी आई है आपकी, इस कैरी को डिस्कार्ड कर देते हैं हम, इस कैरी को नहीं लेके चलते, हम सिर्फ इतने नंबर को ही लेके चलते हैं, तो उस नंबर को आप यहाँ लिख देंगे ए के अंदर, ठीक है। बाकी की बाकी चीज़ें ऐसे ही आ जाएंगी। अब उसके बाद ASR तो हमें सबके साथ करना ही है, तो अब हम ASR परफॉर्म कर देते हैं सेकंड फेज में। ASR करेंगे तो ये वाली बिट डिस्कार्ड हो जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ये यहाँ, फिर ये यहाँ, इसी तरीके से आ जाएंगी, और ये वाली यहाँ, फिर 0 1 0, और ये वाला 0 एज इट इज़। ये आपका थर्ड फेज कंप्लीट हो गया। अब काउंट की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, काउंट इक्वल्स टू काउंट माइनस 1 है, काउंट की वैल्यू 1 हो गई। अब हम फिर से देखेंगे Q0 में और Q1 में क्या है, Q0 और Q माइनस 1 में क्या है, 0 0 0 0 में भी हम सिंपल ASR करते हैं और कुछ नहीं करते, ये रही आपके एल्गोरिथम, 0 0 आता है तब भी सिंपल शिफ्ट करते हैं, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, ASR। ASR जब आप करेंगे, ये वाली 0 आपने नहीं लिखनी है, इस वाली को यहाँ लिखना है, और फिर ये 0 है, ये 1 यहाँ शिफ्ट करनी है, फिर 0, फिर 1, और ये वाली 0 यहाँ पे, फिर 1 0, ये वाली 0 यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों में आएगी। अब काउंट क्या हो गया, 0 हो गया, तो हम आगे फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे, यह हमारी एल्गोरिथम एंड हो जाएगी। लेकिन आंसर क्या आया हमारे पास, आंसर तो अभी हमने देखा ही नहीं, आंसर क्या आएगा, जब आप आंसर लिखेंगे तो सिंपली आप इस वाली चीज़ों को देखेंगे, सॉरी इन 4 जो आपकी ये है, ए की वैल्यू और क्यू वाली वैल्यू, उसको सिर्फ इन 2 को ही आपने देखना है। Q-1 की वैल्यू को हमने यहाँ पे भी डिस्कार्ड करना है, सिर्फ यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या होता है आपका, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में तो ये भी 21 ही होता है। तो इस तरह से परफॉर्म होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन यूजिंग बूथ्स एल्गोरिथम। अभी हमने दोनों पॉजिटिव नंबर लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर भी लेके देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद दोनों नेगेटिव नंबर्स को करेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।